हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अमन वशिष्ठ, और मेरे साथ हैं फ्लेक्सी एंड जैक। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल आइकन भी आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक करें। उससे क्या होगा, अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो आज की वीडियो का टाइटल आपको पता चल ही चुका होगा, वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरे पास दो जर्मन शेफर्ड हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है। एक है जैक, ये आपको दिख रहा है, ये है जैक, ये मेल है हमारा, और वो है फ्लेक्सी फीमेल। तो फ्लेक्सी लेकर आया था मैं स्टार्टिंग में, तो फ्लेक्सी ने जब पप्स दिए तो उनमें से मैंने एक बच्चा रखा, वो है जैक। तो फ्लेक्सी का बेटा है जैक। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं पेयर लेकर आया था, नहीं, ये जैक है और ये उसकी मदर फ्लेक्सी है। तो अभी YouTube पर बहुत सारे चैनल्स हैं पेट से रिलेटेड, और बहुत सारे कैनल्स की वीडियो लोगों ने डाल रखी है। तो ज़्यादातर मैंने जो देखा है वो हमें शोलाइन जर्मन शेफर्ड ही YouTube पर देखने को मिलते हैं। बहुत ही कम प्रमोट किया जाता है वर्किंग लाइन डॉग्स को। तो मेरा जो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है वो वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड में रहा है, शोलाइन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो लगभग 15-20 साल से हम जर्मन शेफर्ड रख रहे हैं। पहले मेरे फादर को शौक था, वो रखते थे, अभी मैं रख रहा हूँ, तो मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो हमेशा से ही हमने वर्किंग लाइन डॉग्स रखे हैं। तो अभी भी मेरे पास दो जर्मन शेफर्ड हैं, ये दिख रहे हैं जो आपको, दोनों ही वर्किंग लाइन डॉग्स हैं। अब शो लाइन और वर्किंग लाइन में बहुत से लोगों को डिफरेंस भी नहीं पता होगा, तो अभी पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको कि शो लाइन कैसा होता है, वर्किंग लाइन कैसा होता है। जैक इधर आओ, इधर आ बेटे, आ जाओ फ्लेक्सी, इधर आओ, कम ऑन फ्लेक्सी, आओ। तो अभी ये देखिए, ये चल रही है, इसको देखें आप, इसकी जो बैक है वो स्लोप में नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट बैक है ये। और इसको भी, मेल को भी आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है, इनकी जो बैक में है वो स्लोप नहीं है। ये दोनों ही वर्किंग लाइन डॉग्स हैं, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट बैक है। फ्लेक्सी इधर आओ, शू गो, कौन है इधर, आ जा। और जो हमारे शो लाइंस होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो बैक होती है पीछे से स्लोप फॉर्म में होती है। मैं आपको अभी स्क्रीन पर आपको पिक्चर्स दिख जाएंगी, तो वो होते हैं शो लाइन, जिनकी बैक जो है वो पीछे से झुकी हुई होती है, उनको स्लोप में होता है, और चलने में भी वो दिख जाते हैं हमको उसी तरीके से वो चलते हैं, तो उनकी बैक पीछे से झुकी हुई होती है। और जो वर्किंग लाइन होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बैक के होते हैं। तो ओरिजिनली जर्मन शेफर्ड जो हैं वो हमारे शोज़ के लिए ब्रीड नहीं किए गए थे, मिलिट्री पर्पज़ के लिए ब्रीड किए गए थे जर्मनी में। तो उसके बाद फिर ब्रीडिंग को इस तरीके से किया गया, उनको शो स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रीड किया गया। तो अभी जो है जर्मन शेफर्ड आते हैं वो पीछे से स्लोप उनकी बैक होती है, ना कि स्ट्रेट नहीं होती, तो वो शो लाइन होते हैं। बहुत से लोगों का अपने अपनी पसंद है, किसी को शो लाइन पसंद है, किसी को वर्किंग लाइन पसंद है। बट अगर हम देखें जिस चीज़ के लिए इनको, जिस पर्पज़ के लिए ब्रीड किया गया था जर्मन शेफर्ड को, शो लाइन में वो ख़त्म होता जा रहा है। फिज़िकल एक्टिविटीज़, टास्क परफॉर्म करना, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए हमने इनको ब्रीड किया था। तो शो लाइन वाले जो जर्मन शेफर्ड है वो उन पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतर सकते, वो इतने ज़्यादा फिट नहीं होते एज़ कम्पेयर टू वर्किंग लाइन डॉग्स। तो मिलिट्री वगैरह में, पुलिस में भी जो यूज़ होते हैं वो भी हमारे वर्किंग लाइन डॉग्स यूज़ होते हैं, स्ट्रेट बैक वाले। अभी बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल चुका है, शो में ले जा रहे हैं, ये विनर है, इसके पास इतने टाइटल हैं, ये चैम्पियन लाइन का है, इसकी ये ब्लड लाइन है। तो उनका प्राइस देखेंगे तो भाई 50-50 हज़ार प्राइस है, लाख लाख रुपए प्राइस है, इंपोर्ट करा रहे हैं, ये इंपोर्ट कसन है। तो मतलब बहुत ही एक तगड़ा बिजनेस बना लिया है लोगों ने, और वर्किंग लाइन को लोग भूलते जा रहे हैं, सब शो लाइन को प्रमोट कर रहे हैं पैसे कमाने के चक्कर में। सो अगर आप कंपैरिजन करेंगे शो लाइन का वर्किंग लाइन के साथ, किसी भी फील्ड में आप उनका कंपैरिजन कर लें, टेम्परामेंट से लेके, फिटनेस से लेके, गार्डिंग से लेके, किसी भी चीज़ में आप उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड का मुकाबला शो लाइन कहीं तक भी नहीं कर पाएगा। सो जो भी फैमिली वाले बंदे हैं, एक गार्डिंग पर्पज़ के लिए एक डॉग रखना चाहते हैं, सेफ्टी के लिए रखना चाहते हैं, तो वर्किंग लाइन को ही वो अडॉप्ट करें, और इनकी जो कॉस्ट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और शो लाइन में एक प्रॉब्लम भी आ जाती है जिसका नाम होता है हिप डिस्प्लेशिया, उसके जो बैक लेग्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। अर्ली एज में हम इतना नोटिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज होती जाती है, 5-6 साल का हो जाएगा, जैसे जैसे थोड़े उसके बाद उनके पैरों में प्रॉब्लम आने लग जाती है काफ़ी,
तो वर्किंग लाइन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इनका फिटनेस लेवल किस तरीके से। जैक फ्लेक्सी चलो इधर आओ, अभी मैं इनके लिए बॉल लेकर आया हूँ, तो अभी देखते हैं। गो, अभी फ्लेक्सी ने बॉल ले लिया, इसको लेके बैठ जाएगी, अभी जैक को नहीं लेने देगी। इनके लिए दो तीन बॉल ला रखी थी मैंने, दो बॉल इन्होंने ख़राब कर दी है, फाड़ दी, वो थोड़ी जंपर टाइप वाली थी। अभी मैं इनके लिए ये लेकर आया हूँ सिक्सर की बॉल। फ्लेक्सी बॉल नहीं देगी, ओए गुड गर्ल, चलो इधर आओ। नो फ्लेक्सी, इधर आओ फ्लेक्सी, जंप कम ऑन। सो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं ये, बहुत ही ज़्यादा फिट हैं। नो फ्लेक्सी, इधर आओ, गुड गर्ल, बॉल दो। एक बार फिर से मैं इनके लिए बॉल फेंकूँगा, गो। ये देख लिए, पकड़ ली फ्लेक्सी ने बॉल। सो फ्लेक्सी की एज पूछते हैं बहुत से लोग, फ्लेक्सी है 3 साल की हो गई थी ये दिसंबर में, 31 दिसंबर को, और जैक जो है वो हमारा 11 तारीख को या 13 तारीख को होने वाला है 2 साल का। इधर आओ, नो जैक, नो भी। ये देखो दीवार पे इन्होंने पंजों के निशान बना रखे हैं दोनों ने। फ्लेक्सी इधर आ जा, ले ये देखिए, दीवार पे से भी आराम से बॉल उतार लेती है। इधर आओ फ्लेक्सी, गुड गर्ल, बॉल दो, ओए गुड गर्ल। अभी दिखाता हूँ आपको, जैक नो, नो 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 नो, ले ले, गुड गर्ल। सो मैं हमेशा से ही वर्किंग लाइन डॉग्स को प्रमोट करता आया हूँ, सो मैंने सोचा वर्किंग लाइन के लिए एक आज अलग से वीडियो बना लेते हैं। सो लुक वाइज भी मेरे को यही बेस्ट लगते हैं, वो उनको ऐसा लगता है शो लाइन में जैसे पता नहीं क्या बीमारी होगी, इतना ज़्यादा आजकल एंगुलेशन आ रहा है उनमें, पीछे से बिल्कुल झुके हुए रहते हैं जमीन पे, और एक एज के बाद उनको प्रॉब्लम आने लग जाती है, फिजिकली इतने फिट नहीं होते वो, हिप डिस्प्लेशिया की प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑल दो जो ब्रीडर्स हैं वो बोलेंगे कि अगर अच्छी लाइन का डॉग हो तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना लेग बेंडिंग की आएगी ना हिप डिस्प्लेशिया की आएगी, बट 3-4 साल 5 साल तक सही रहेंगे, लेकिन उनके जब लास्ट का टाइम आता है 5-6 साल 7 साल 8 साल, उस एज में फिर उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, और वर्किंग लाइन में ये सारी दिक्कतें देखने को नहीं मिली। फ्लेक्सी इधर आओ, ओए बोल दो, जैक, जैको इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, नो कम ऑन। पे नजर गड़े हुए, नो गो, फ्लेक्सी इधर आ, इधर आ जाओ। फ्लेक्सी कौन है, इधर आ, इधर आओ, कौन है, कौन है। बहुत ही ज़्यादा सतर्क है ये, बहुत ही एक्टिव है। सो बस यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। सो बहुत से लोग पूछते हैं क्या
पप्स नहीं अवेलेबल होते आपके पास, तो मैं कोई ब्रीडर नहीं हूँ, मेरे पास कोई 10-15 डॉग्स नहीं है, ना ही मेरे पास कोई कैनल है। दो डॉग्स रखे हुए हैं, फ्लेक्सी फीमेल है, उसका बेटा जैक। सो फ्लेक्सी की बस एक ही बार मीटिंग कराई है हमने, उसके बाद ये 2-3 बार हीट पे आ चुकी है, उसकी मीटिंग हमने नहीं कराई क्योंकि मेरे को कोई बिजनेस नहीं करना आगे, ब्रीडिंग का मेरा कोई मन नहीं है। जैक की मैंने 1-2 बार मीटिंग कराई है, जैसे कोई दोस्त वगैरह होता है उनकी फीमेल होती है उससे मीटिंग करा देते हैं, तो एक पप्पी आया था उसकी वीडियो मैंने सेल के लिए डाली थी बस। तो ऐसा मेरे पास एज सच पप्पीज़ अवेलेबल नहीं रहते इतने, कभी फ्यूचर में फ्लेक्सी की मीटिंग कराई या फिर जैक की फिर से कराई अगर पप्पीज़ होंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा। सो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्किंग लाइन डॉग्स को ही लें, अगर आप एक नॉर्मल गार्डिंग के लिए डॉग ले रहे हैं, आपका शो में ले जाने का कोई पर्पज़ नहीं है तो, क्योंकि हर एस्पेक्ट में वर्किंग लाइन इज़ बेटर देन शो लाइन। सो मैं चाहता हूँ कि लोगों को शो लाइन से हटके मतलब वर्किंग लाइन की तरफ लोग जाएं, वर्किंग लाइन डॉग्स के बारे में भी उनको पता चले, क्योंकि ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड जो यही है, आजकल लोग बिल्कुल भूलते जा रहे हैं वर्किंग लाइन डॉग्स को, कोई बात ही नहीं करता, ना कहीं देखने को मिलते। सो यही चाहता हूँ मैं कि फिर से ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड की तरफ लोग जाएं और उसे अडॉप्ट करना स्टार्ट करें। थैंक यू।